हेलो एंड वेलकम टू इग्निशन। मैं हूँ स्वाति खंडेलवाल और आज हम बात करने जा रहे हैं एमजी मोटर की फ्लैगशिप प्रोडक्ट एमजी हेक्टर। जी हाँ, पहले ही एमजी हेक्टर ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है इन टर्म्स ऑफ सेल्स और अब आ गई है ऑल न्यू एमजी, द नेक्स्ट जनरेशन एमजी हेक्टर। वेल, फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट बहुत ही खास दिखती है, स्पेशली अगर आप इसके फ्रंट की बात करें, द एम्बॉस्ड लुक गिव्स यू अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑन द रोड एंड ओवरऑल प्रोपोर्शन वाइज आई थिंक इट रियली स्टैंड्स आउट। वेल, फीचर्स की तो हम बात कर ही रहे हैं और आपको बताएंगे किस तरीके के न्यू एडिशंस इसमें डाले हैं टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई थिंक वो दो चीज़ों पे खास ध्यान रखा गया है, ऑफकोर्स अपार्ट फ्रॉम मेकिंग इट लुक मच मोर अग्रेसिव एंड बोल्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड दिखाते हैं इस गाड़ी में क्या कुछ नया है। लुक्स की बात करें तो 2023 नेक्स्ट जेन हेक्टर के फ्रंट में अब एक बड़ा पियानो ब्लैक ग्रिल देखने को मिलता है जो इसे काफी बोल्ड लुक प्रोवाइड करता है। इसके डिजाइन को स्पोर्टी बनाने के लिए कई जगहों पर शार्प लाइंस और कर्व्स दिए गए हैं, साथ ही बम्पर पर बड़े हाउसिंग के साथ एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प और एलईडी डीआरएल दिए गए हैं जो इसे काफी शानदार लुक प्रोवाइड करता है। वहीं पीछे की तरफ इस एसयूवी में अपडेटेड टेल लैंप्स असेंबली मिलती है जिसमें एक लाल रंग की पट्टी दी गई है जो दोनों छोर पर लैंप को जोड़ती है। इस एसयूवी के रियर बम्पर को भी नए एंगुलर क्रिज के साथ फिर से रीडिजाइन किया गया है, साथ ही पुराने मॉडल की तरह इस एसयूवी में 18 इंच के ड्यूल टोन अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। आपको बता दें कि कंपनी ने इस एसयूवी के व्हील बेस और कैबिन स्पेस में कोई बदलाव नहीं किया है। इंटीरियर की बात करें तो इस एसयूवी में एकदम नए यूजर इंटरफेस के साथ सेगमेंट में दिया गया अब तक का सबसे बड़ा 14 इंच का एचडी पोर्ट्रेट इंफोटेनमेंट सिस्टम और सेगमेंट फर्स्ट डिजिटल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी गई है। इमरजेंसी के दौरान या फिर चाबी खोने की स्थिति में इस गाड़ी को खोलने, बंद करने, चालू करने और उसे चलाने के लिए इस एसयूवी में डिजिटल की का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस ऑटोनोमस लेवल 2 एसयूवी में 11 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम फीचर्स पेश किए गए हैं जिसमें ट्रैफिक जैम असिस्ट और ऑटो टर्न इंडिकेटर जैसे फीचर शामिल है जो ड्राइवर को पीसफुल, सेफ्टी और कंफर्टेबल ड्राइविंग का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। वहीं सेफ्टी फीचर्स के लिहाज से नेक्स्ट जेन हेक्टर में 6 एयरबैग्स, 360 डिग्री एचडी कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हिल असिस्ट कंट्रोल, ऑल फोर व्हील डिस्क ब्रेक्स, सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीट बेल्ट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स और फ्रंट पार्किंग सेंसर जैसे कई जरूरी सेफ्टी फीचर शामिल किए गए हैं। वह लुक्स के अलावा अगर बात करें गाड़ी के इंटीरियर्स में क्या बदला गया है, इसकी टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस लाए गए हैं, तो मैं बता दूं कि ADAS लेवल 2 यहां पर यूज़ किया गया जहां 11 नए फीचर्स ऐड किए हैं। दो इंपॉर्टेंट और हाईलाइटेड फीचर्स जो आपको बहुत पसंद आएंगे वो है ऑटो इंडिकेटर्स। यहाँ पर जैसे आप स्टीयरिंग को थोड़ा सा राइट घुमाते हैं कार सेंस कर लेती है कि आपको राइट जाना है तो ऑटोमेटिकली इंडिकेटर ऑन हो जाता है एंड सिमिलरली फॉर द लेफ्ट। सो ऑटो टर्न इंडिकेटर्स यहाँ आपको इस एक फीचर एडेड फीचर मिलता है इन टर्म्स ऑफ बेटर सेफ्टी, बेटर टेक्नोलॉजी। इसके अलावा वेरी इंटेलिजेंट ट्रैफिक असिस्ट
फीचर मिलता है जिसमें आपको गाड़ी अगर ट्रैफिक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में फंसी है तो वहाँ पर ये गाड़ी कैसे इंटेलिजेंटली चले और आपकी एफिशिएंसी बेहतर हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रैफिक असिस्ट, स्पेशली अगर आप यू नो ऐसी सिटीज़ में हैं जहाँ ट्रैफिक जैम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आई थिंक दिस विल कम वेरी हैंडी. और कंपनी इन दो फीचर्स का तो स्पेशली यहाँ मेंशन कर रही है. लेवल टू ADAS विच इज़ ऑफकोर्स एडवांस ड्राइवर असिस्ट फीचर्स हैं जिससे आपको बेहतर इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी एंड टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस मिलता है. वेल, गाड़ी के एंटर करते ही आप सबसे पहले इस गाड़ी में जो नोटिस करते हैं वो दिस बिग लार्ज स्क्रीन. इनफैक्ट इट्स लार्जेस्ट इन इंडिया इन दिस सेगमेंट. 14-inch HD स्क्रीन यहाँ आपको मिलता है इन द वर्टिकल पोजिशन. बहुत ही अप्रिशिएट किया जाएगा ये लोगों के द्वारा बिकॉज एवरी वन वॉन्ट्स नाइस बिग स्क्रीन्स टू ऑपरेट. सो टेक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है. बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप इसके थ्रू यूटिलाइज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इन्होंने एम्बेड कर दिया है सनरूफ. आप यहीं से खोल सकते हैं गाड़ी का बाय यू नो जस्ट प्रेसिंग द बटन ऑन दिस वन. ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू कैन डू फ्रॉम हियर, इसके अलावा इसमें भी स्क्रीन में भी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. बहुत सारे लैंग्वेजेस में हेलो MG ऑपरेट करती है एंड छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इसको और भी ज़्यादा पहले से बेहतर बनाती हैं इन टर्म्स ऑफ द फीचर्स दैट कंपनीज ट्राई टू ब्रिंग इन ऑन टू द न्यू MG Hector. नेक्स्ट जेन हेक्टर को पहले की तरह ही 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया गया है जो 6-speed मैनुअल और CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है. ये इंजन 143 BHP की पावर और 250 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. पहले इस इंजन को 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ भी पेश किया जाता था, हालांकि यह अब इस फेसलिफ्ट SUV में उपलब्ध नहीं है. इसके अलावा पेट्रोल इंजन में मिलने वाले 7-speed DCT गियरबॉक्स को भी अब बंद कर दिया गया है. हालांकि कंपनी ने हेक्टर में 2 लीटर के डीजल इंजन को कंटिन्यू रखा है. यह इंजन 170 BHP की पावर और 350 Nm का टॉर्क पैदा करता है. आपको बता दें कि MG पहले की तरह ही हेक्टर डीजल पर केवल एक 6-speed मैनुअल गियरबॉक्स ही ऑफर कर रही है. यानी अभी भी आप हेक्टर को ऑटोमेटिक डीजल वेरिएंट में खरीदना चाहते हैं तो यहां पर अभी भी कंपनी की ओर से निराशा जारी रहेगी. ऑल राइट, तो आपने देखा इसमें क्या क्या कुछ नया आया है. 5, 6, 7 सीटर तीनों ऑप्शंस में अवेलेबल है. प्राइसिंग बहुत ही अग्रेसिव एंड अट्रैक्टिव रखी गई है. अगर आप देखिए 15.5 लाख के करीब अगर ऑन रोड की बात करें ऑल द वे टू 23 odd lakhs के बीच में आपको सारे वेरिएंट्स इसके मिल जाते हैं. फॉर दिस प्राइस आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन. ADAS लेवल 2 सेफ्टी की हमने बात की. बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं जो आपको इस गाड़ी में मिलते हैं. इंडिया का लार्जेस्ट HD फॉर्मेट स्क्रीन भी आपको इसमें मिलता है जो बहुत बड़ा इसका USP भी है. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ द लुक्स डिज़ाइन टेक्नोलॉजी फीचर्स कंपनी इज रियली डन सम वंडरफुल थिंग्स इन दिस कार. और प्राइसिंग भी बहुत अट्रैक्टिव रखी है. सो क्लियरली दिस वन लुक्स लाइक अ विनर.